दोस्तों, काशी का संकटमोचन मंदिर हो या फिर प्रयाग का हनुमान जी का मंदिर, हर स्थान पर बजरंग बली को तुलसी का भोग लगाया जाता है और विशेष अवसरों जैसे हनुमान जयंती या फिर मंगलवार को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। तुलसी की माला चढ़ाने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाने से धन लाभ के योग बनते हैं और मन से हर प्रकार का भय व चिंता समाप्त होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि बजरंग बली को तुलसी चढ़ाए जाने के पीछे क्या रहस्य है। हनुमान जी के बारे में ऐसी मानता है कि वह भगवान राम के इतने परम भक्त थे कि वह राम भगवान को अपना पिता और माता सीता को अपनी माँ मानते थे। हनुमान जी को जब कोई चिंता या परेशानी होती तो वह इस बारे में सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को बताया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में माता सीता अपने हाथों से भोजन पका रही थी तो पवनसुत आए और बोले, हे माता, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, भोजन दे दो। सीता जी ने अपने हाथ का बना गर्मा गर्म खाना हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी सारा भोजन चट कर गए और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी, यहाँ तक कि धीरे धीरे भंडार गृह भी खाली होने लगे। तब माता सीता ने राम जी के कहने पर हनुमान जी को खाने के साथ एक तुलसी पत्र दे दिया। तुलसी पत्र को खाते ही हनुमान जी का पेट भर गया और उनकी भूख शांत हो गई। तभी से हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। मानता है कि तुलसी अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के संकटों से रक्षा करते हैं। यदि मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी अर्पित की जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने के पीछे भी बहुत ही रोचक कथा मिलती है। तुलसी के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक अनमोल औषधि है। तुलसी का रोजाना सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तुलसी खाते रहने से किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता, इतनी अच्छी होती है तुलसी।